हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन। मैं आरती, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका रिवीजन टाइप के अंतर्गत ही है, क्योंकि आपका ये चल रहा है रिवीजन टाइम और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न है। आपकी डिमांड है कि लॉन्ग जो क्वेश्चन है उनको भी लाया जाए, तो बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चंस जो है 5 और 10 मार्क्स के वो ऑलरेडी डले हुए हैं और हमने कल भी कुछ क्वेश्चंस जो है वीडियो बना के डाले हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें वॉच कर लीजिएगा और आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि आप कुछ दिन वीडियो देखेंगे, कुछ टाइम नहीं देखेंगे, तो बहुत सारे वीडियोज डलते रहते हैं, अपलोड होते रहते हैं, वो मिस हो जाते हैं। और सबसे पहली बात, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको आप क्लिक कर दें, यानी ओपन कर दें। ओपन करने से ये होता है कि जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत उसी वक्त मिल जाएगा और आप वीडियो देख लेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को क्या करना है आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए आइए देख लेते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रिवीजन टाइम के अंतर्गत एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, गणित का स्वभावानुसार विकास हुआ है, यानी गणित का विकास किस तरह से हुआ है? तर्कात भूतवाद से, अंत प्रज्ञा गणितवाद से, या फिर अकार्किक गणितवाद से, या उपरोक्त सभी से? तो आंसर देखिए इसमें दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका द होगा, यानी उपरोक्त सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशिष्टताओं के आधार पर गणित की प्रकृति के पक्ष हैं, विशिष्टताओं के आधार पर गणित की प्रकृति के कितने पक्ष हैं आपको बताना है? शुद्धता का पक्ष, परिणाम के सत्यापन का पक्ष, संक्षिप्तता का पक्ष, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका द, उपरोक्त सभी। यानी गणित के प्रकृति के कौन कौन से पक्ष होते हैं विशिष्टता के आधार पर? तो शुद्धता का भी पक्ष होता है, संक्षिप्तता का पक्ष होता है, परिणाम के सत्यापन का पक्ष होता है। इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गणित की अवधारणा के संबंध में यह विचार कहा गया है गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो यह विचार जो है किसने कहा है आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका आ, बेंजामिन पीर्स ने। गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य है, अनुरूप है। किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सा होगा, आइंस्टीन ने कहा है। इसी तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रमुख अंग में 3R क्या आशय है, यानी 3R का क्या मतलब है आपको बताना है? लिखना, पढ़ना और हिसाब करना, लिखना, बोलना और समझना, मानसिक बौद्धिक विकास, उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आ, यानी लिखना, पढ़ना और हिसाब करना ही 3R कहलाते हैं आपके गणित में। ठीक है, तो शिक्षा में, गणित में क्यों, शिक्षा में 3R रखे गए हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट हो तो उसमें लिखना, पढ़ना और हिसाब करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा का 4H का सिद्धांत आधारित है। अभी हमने 3R देखा, अब 4H देखते हैं। 4H का सिद्धांत किस पर आधारित है? मानसिक, आध्यात्मिक तथा चारित्रिक, शारीरिक एवं कौशलता पर, मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक कौशल पर। और नेक्स्ट इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आ, बा, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा, यानी मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक, शारीरिक एवं कौशलता पर आधारित है आपके 4H का सिद्धांत। क्या मापने तोलने में गणित का उपयोग होता है? हाँ, नहीं, कोई नहीं, सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाँ, क्योंकि गणित का उपयोग ही हम मापने तोलने में करते हैं। गणित का उपयोग भाषा के रूप में किया जाता है, अब आपको बताना हाँ या नहीं में कि गणित का उपयोग भाषा के रूप में किया जाता है, हाँ, नहीं, कोई नहीं, सभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, गणित का उपयोग भाषा के रूप में किया जाता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में गणित का उपयोग करते हैं और जो हम कुछ करते हैं वो हमारी भाषा ही कहलाती है, तो गणित का उपयोग जो है भाषा के रूप में किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपसे डिटेल में पूछ सकता है कि गणित का उपयोग आप भाषा के रूप में किस तरह से करेंगे। तो देखिए, जैसे भी माप तौल की बात आई थी, तो दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम मैथ का यूज करते हैं, हम टाइम देखते हैं, हम कोई सामान लेते हैं, तो गणित की जरूरत पड़ती है, काउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसको आप एक्सप्लेन करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है,
गणित में राशि यक्ष को कहते हैं, जो आपकी राशि होती है उस यक्ष उसको क्या कहते हैं, चर अचर मान कोई नहीं, तो देखिए इसको चर राशि कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि गणित में चर राशि किसे कहते हैं, ऑप्शन में आपका यक्ष वाई और फिर साथ में वाई यक्ष दे देगा और जेड दे देगा, तो आपको यक्ष पे टिक करना होगा कि गणित में चर राशि जो है यक्ष को कहते हैं। ओके, प्रिपेयर रहिए दोनों तरफ से कि कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाए। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, चरित्र निर्माण करना, प्रश्न हल करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करना, मनोरंजन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सा, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करना ही गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे लिए गणित का क्या विशेष महत्व है, चारित्रात्मक, सुनागरिकता, सौंदर्य अनुभूति या अनुशासनात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा द, यानी अनुशासनात्मक ही गणित का मेन विशेष महत्व है हमारे लिए। गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा था, तो ये आपके हाग बेन ने कहा था, और गणित विज्ञान है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। तो गणित विज्ञान है संख्या का, स्थान का और गणना का, उक्त तीनों का। तो देखिए गणित जो विज्ञान है वो उक्त तीनों का है, स्थान का भी, संख्या का भी, गणना का। किसने कहा कि गणित वही विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये जो कथन है वो आपके स्टोन के हैं, राइट आंसर द होगा। और अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के तीन अंतः कोण क्रम से 80, 90 और 100 के हैं, तो उसका चौथा कोण क्या होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा या 110 होगा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बा होगा, 90 होगा। देखिए चतुर्भुज के तीन अंतः कोणों जो होते हैं, देखिए अगर ये आपका चतुर्भुज है जिसकी चार क्या है, भुजाएं हैं, आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं, चार भुजाएं हैं, इनमें से तीन भुजाओं के कोण बता दिए गए हैं। इस तरह से एक आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो 80 एक का हो गया, 90 एक का हो गया और 100 एक का हो गया, तो चौथा कोण क्या होगा। तो देखिए 360 अंश का जो ये कोण होता है, आप 360 में आप 80, 90 और 100 को अगर जोड़ दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाता है, 270 हो जाता है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में 7 गए तो 9 हुआ, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 90। तो राइट आंसर इसका 90 हो जाएगा। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन हो जाएगा, उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो इसमें जो इसका आंसर है, इसका आंसर तो इसमें दिया नहीं है, इसको हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, आपका जो ये क्वेश्चन है इसको हम कंप्लीट करवाएंगे कि यदि गोले की जो त्रिज्या है उसकी दुगनी कर दी जाए। गोले की त्रिज्या, मैंने वीडियो एक बनाया था और आपको उसमें बताया था कि अगर ये एक गोला दिया हुआ है, परिधि दी हुई है, और जो त्रिज्या होती है हमेशा बीच की आधी भाग जो होती है त्रिज्या कहलाती है, और व्यास जो होता है ये यहाँ से लेके पूरा होता है। तो यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, मान लीजिए इसका मान 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसको दुगना कर दिया जाए, तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन आपको बताना है इसमें। तो ये अभी जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है, तो हम इसका क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अगर यदि आपने आयतन, त्रिज्या और परिधि का वीडियो नहीं देखा है तो अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपसे मल्टीपल चॉइस में तो क्वेश्चन पूछेगा भी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन जो आपका है, एक या दो क्वेश्चन जो है वो मैथ का आएगा, और ख़ासतौर पर जो आपका सांख्यिकी है इससे ज़रूर आएगा। तो थोड़ी सी आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है तो आप देख लीजिएगा, खासतौर पर समांतर माध्य वगैरह कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ये आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, मैं इसे आपको कंप्लीट करवा दूंगी, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। और इसके पहले मैंने अभी आपको एक सॉन्ग्स का वीडियो डाला था, आतिफ असलम जी का है, और बहुत अच्छा वो सॉन्ग्स मुझे लगा इसलिए मैंने उसे डाल दिया था। अगर आप इच्छुक हैं, आपको पसंद है गाने वगैरह सुनना, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और इसका PDF जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा, उसका लिंक, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।
क्योंकि अब हमारी कोशिश यही होती है कि आपके हर एक वीडियो के साथ आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवाया जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।